सीरियल भाग्यलक्ष्मी की आने वाली कहानी के ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि जब सभी परिवार वाले एक साथ बैठकर खाना खा रहे होंगे तो ऋषि के पापा वीरेंद्र ऋषि को कहेंगे कि खाना बहुत टेस्टी बना है, आओ और साथ बैठकर तुम भी खाना खाओ। तो वहीं पर ऋषि अपने बाबूजी से कहेगा कि मैं खाना नहीं खा सकता हूं क्योंकि मेरा आज व्रत है। तो ऐसे में आपको बता दें कि पीछे खड़ी लक्ष्मी को भाई लगेगा कि ऋषि ने उसके लिए व्रत रखा है और वो खुद को बहुत भाग्यशाली मानेगी कि उसे ऋषि जैसा एक अच्छा पति मिला है। लेकिन भाई लक्ष्मी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि ऋषि ने उसके लिए नहीं मलिष्का के लिए व्रत रखा है।